हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अजी मेरी वाले अजी मेरी ख्वाजा बिगड़ा बना दो मुकद्दर हमारा। आया हूँ तेरे दरी पे सवारी, आया हूँ तेरे मैं दरी पे सवारी, रहम की नजर कर दो अजी मेरी ख्वाजा। सुनो आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे अक्ष आंसू हमेशा मेरी चौखट पर आता था, खुश नजर आता था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं तेरे अक्ष आंसू। बात क्या है बेटे, बोल। किसी ने कुछ कहा, कोई कष्ट? चाची बेटी मैं सब बता रहा हूं। चाचा जी चाचा जी, चाचा जी चाचा जी, हमारी कहानी सुनला जरा सी जुबानी सुनला, कह दिया मदद मोरिया हम है गरीब। बाले पानी में बाबू मर गए विधवा माए, बाले बाबू मर गए विधवा माँ अकेली, गरीब में थी मेरी छोटी बहना गिरुही हुई हवेली। चाचा जी चाचा जी, हमारी कहानी सुनला जरा सी जुबानी सुनला, कह दा मदा दे मोरिया हमें गरीब। सोनू तुम्हारे कहने का मकसद मैं समझा नहीं बेटे। चाचा जी हकीकत क्या है मुझे पहलिया मत बुझाओ, साफ शब्दों में बताओ बात क्या है। चाचा जी
जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ बाबूजी का इलाज कराने के लिए धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से 500 का कर्जा लाई थी। हाँ चाचा जी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से कर्ज लाई थी? हाँ चाचा जी। उसके बाद क्या हुआ? मेरी माँ वो कर्जा वापस नहीं कर पाई। आज एक हफ्ते की कहानी है चाचा जी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह उसके आदमी कर्जा मांगने आए। चाचा जी मैं कर्जा दे नहीं पाया, उसने कर्जा की आवाज में मेरी बहन को गिरवी रख लिया चाचा जी, और कहा अगर 10 दिन के अंदर तू अपनी बहन को नहीं छुड़ा पाया तो तेरी बहन हमेशा के लिए मेरी रखे। या अल्लाह, या मेरे मौला, ये मैं क्या सुन रहा हूं? कोई कर्जा लाए और कर्जा ना दे पाए तो उसकी बहू बेटी अपने गृह में रखे। वाह धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुम जमींदार बनते हो। मैंने छत्रियां बहुत देखा है कि गरीबों की आंसू पोंछते हैं, लेकिन ये तुम्हारी जमींदारी, अरे जमींदार बनता है जमींदार के नाम का कलंक है, कलंक का टीका है। नहीं सोनू, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये पठान का बच्चा जिंदा है, सर कटा सकता है लेकिन सर नहीं झुका सकता। ये ले, कितनी रुपए की तुम्हें बेटा हो दरकार, और जाकर चुकता कर रकम नहीं मुझे इनकार। सोनू काफी दौलत दिया है खुदा ने मुझे, काफी दौलत। ये दिया है खुदा ने मुझे, जितना जी चाहिए उतना ले जाइए, अपनी बहना को जाकर तुम छुड़वाइए, कमी कुछ भी नहीं मेरे लगते। या अल्लाह, तेरा कैसा करिश्मा है? चाचा जी मुझे 5,000 रुपये सिर्फ चाहिए, क्योंकि 500 रुपये का मूल ब्याज जो तो उसने 5,000 रुपये बनाया है। ये और ये रुपया ले जा, मार दस के मुंह पर तमाचा कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह ले अपना रुपया और अपनी बहन को छुड़ा ला। चाचा जी मैं आपका किस मुख से शुक्रिया अदा करूं? वाकई में आप इंसान नहीं बल्कि हम गरीबों के देवता हैं, भगवान हैं। नहीं सुनो, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। बोलो एहसान चाचा तुम्हारा नहीं, बोलो एहसान चाचा तुम्हारा नहीं, ऐसे मुश्किल में चाचा दिए काम। नहीं ऐसे मुश्किल में चाचा
दिए काम हो, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, ऐसे मुश्किल में दीना सहारा मुझे। चाचा जी, आज मुझे गांधी जी की वो बात याद आती है जब वो कहा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदू भाई मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं और मुसलमान भाई मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं और सिख भाई गुरुद्वारे में जाकर वाहेगुरु करते हैं और ईसाई भाई चर्च की पूजा करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा चाचा जी, चाचा जी मेरे लाडले, मेरे नूरे नजर, चाचा जी कहा गया है, खुदा कहो चाहे उसे ईश्वर या घनश्याम, मालिक सबका एक है लाखों उसके। हाँ चाचा जी, इसीलिए किसी ने कहा चाचा जी, अल्लाह कहो या राम भगवान एक है, मजहब अलग अलग है पर इंसान एक है, मजहब अलग अल्लाह कहो या राम भगवान एक है, मजहब अलग अलग है पर इंसान एक है, मजहब अलग रसे राम बने रसे रहीम बने, रसे राम बने रसे रहीम बने, उन्हीं से हम हैं बने उन्हीं से बने, हाँ उन्हीं से हम हैं बने, अपने भोले बाबा का हो जिसे लोग मक्का मदीना कहते हैं जहां मुसलमान भाई हज करने जाते हैं, अपने भोले बाबा का स्थान एक है, मजहब अलग अलग है पर इंसान एक है, रमजान जी। चाचा देखा, कर्जे के बदले में किसी की बहू बेटी, हाँ चाचा, अपने गिरफ्त रखा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का नेम है, लेकिन ध्यान रखना। हाँ चाचा। कोई सवाली आता है, मेरी चौखट से खाली नहीं जाएगा। नहीं चाचा। क्या हाल है, क्या माहौल है गांव का? मालिक माहौल सब ठीक है, ठीक ठाक है ना? और गांव के लोग सब इस वक्त आपके नामों की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों नहीं? लेकिन मालिक, लेकिन क्या बात रही है, ये बताओ कि लड़ाई हमारी तुम्हारी जिससे शुरू है, मतलब? अरे वही सेमुआ की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो ससुरा रंग रलिया मला रहा है अपने बीबी के साथ। ओ, तेरे कहने का मतलब कि शुरू लड़ाई हमारी हुई श्यामू से। हाँ। और भाग रहे हैं हम सोनू के पीछे। क्यों ना? इसके बारे में मैंने सोच लिया है। हाँ। अभी चलेंगे उसकी झोपड़ी। जी भाई। उसको नतीजे देके आएंगे। हाँ हाँ, ठीक ना? भैया मैं आपसे नमस्ते करती हूँ और आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ?
और गयू भी कोठी में बीरने हजारे गयू भी कोठी में बीरनी हजारी और चमन सैर करने की इच्छा हमारी भैया, मैं हवेली में रहते रहते वो भैया क्या परेशानी तुझे? भैया मैं आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देती हूँ और जब छुट्टी होती है तो आके मैं हवेली में बैठ जाती हूँ, इसलिए मेरा जी उब रहा है भैया। अच्छा जा भैया, क्यों गई उब कोठे से बहना हमार, ए गई उब कोठे से, ए गई उब कोठे से क्यों बहना हमारी, चमन घूमने की बना के तरा, तो अकेली हो जाती या संग में सहेली, और सच सच कहती या बताती पाए, अकेली हो जाती या संग में सहेली, अकेली हो जाती या संग में सहेली, सच सच तू कहती या कोई आए। पूजा भैया, क्या तुम चमन घूमने अकेली जा रही हो? नहीं भैया, मेरे साथ में मेरी कई सहेलियां भी हैं, अकेली भला मैं जा सकती हूँ? आप ही बताइए भैया। ठीक है, अगर तेरी इच्छा है तो तू जा, लेकिन लेकिन एक चीज कान खोल कर सुनो। क्या बात है भैया? जिस प्रकार मेरा दमन पांच छाप है, उसी प्रकार मेरे दमन में दाग नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, सूर्यास्त होने से पहले अपनी हवेली वापस। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं सूर्य अस्त होने से पहले अपनी हवेली पर आ जाऊंगी भैया। ठीक है जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते जमींदार साहब। बोलो भाई। आपने बहुत गलत किया। मतलब? अरे पूजा, आपकी बहन जवान हो गई है पर? और ऐसे अकेले जंगल में भेज रहे हो, अगर इजाजत हो तो पूजा के साथ मैं बॉडीगार्ड बन के उसके साथ। कोई नहीं जाएगा वहां, तू साला बॉडीगार्ड क्या बनेगा? अरे तू अपनी बॉडी की रक्षा तो नहीं कर सकता, हमारी बहन की बॉडी की रक्षा कैसे? अरे मालिक की सिर की बॉडी है, कोई नहीं जाएगा। सरकार, अगर इनका ना जा दे तो पूजा दीदी की सेवा के लिए मुझको दाने दीजिए। शेर का बच्चा शेर होता है जी, समझे? तेरे जैसे कायर नहीं कोई नहीं जाएगा। किस बात की? हम कई एक कई चीज की डेरी है। किस बात का डर है? पूजा दीदी अब करे लायक हो गया। क्या करने लायक? ब्याह हुआ। अबे साले, शादी ब्याह का नाम पहले लिया करो। ठीक है बाबू, समझे? हम तो कहते रहे मर्चो मटका देते बाबू। मर्च क्या है? मर्चवा भी क्या है? मर्चवा क्या कहा बाबू? मार्च में है मर्चवा। मार्च मार्च चलो चलो मेरे साथ।
हाँ चलते हैं गांव की तरफ। आओ गांव की तरफ तो हम लोग चल ही रहे हैं, लेकिन और जो वो सोनुआ की बहन सरला को सुनो मेरी बात, अगर तूने बात डाल ही दी है, अगर तूने बात छेड़ दी है तो हमारी बहन चमन में गई। क्यों नहीं मालिक, क्यों नहीं? और हमारी हवेली में आज हम अकेले। हाँ हाँ मालिक। और तुम लोग के लिए मैं काम बताता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि सरला को आए एक हफ्ते हो गए, अभी तक उसका खबर लेने कोई नहीं। जी मालिक। तो आज हम उससे दो चार बातें कर डाले। क्यों नहीं मालिक, मौका अच्छा है। तो सुनो ए मालिक, तुम्हारे लिए काम बताता हूँ। हाँ बाबू, इनके लिए काम बतावा और हमारे लिए तो रही। राम जादे वो काम की बात रही। हाँ। कितने रही और बार की करना है? अरे वो काम बताएंगे जिससे मालिक का फायदा हो। अरे मालिक, लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए, ऐसा मौका नहीं आएगा। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। ठीक ठीक, समझा? बोलो मालिक, बोलो। सुनो, तुम लोग हवेली के मेन गेट पर जी मेन फर्स्ट क्लास कुर्सी लगा के बैठ जाओ, समझे? और मैं सलाह से मुलाकात करने जाऊंगा। अगर कोई शोर शराबा हो तो मालिक, तो उसी दरवाजे बैंड बाजा बजाना। बैंड बाजे बजाएंगे, बैंड बाजे। कौन सा वाला बाजा बजाऊ? खैया के आड़े आड़े घंटन। ये कौन सा बाजा? ये कौन बाजा बजाता है बाबू? एक बाजा बहुत बढ़िया बजाएगी। कौन सा बाजा बजाता है बाबू, बताई? आवा मसक दे। मसक नहीं, पहले तोड़ तार दे। क्या मसक दे बे? का कहां दियो का? देखो उसे बीन कहते हैं। बीन बाजा, बीन बाजा, जिसमें चमड़े की मसक लगी रहती है। वही कहां आवा मसक दे। तो सुनो, अब तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ, कमरे के अंदर जा रहे हैं बाबू। अंदर? मैं साले कमरे के अंदर। कमरे के अंदर? लेकिन बाबू कैसे अब जाए पोगे? अब बकवास नहीं, मेरा टाइम नहीं। हाय संतोषवा और मिश्रवा जी, जब देखो जमींदार सरला से मिलने जाते हैं। और क्या? और मैं कब उनकी बहन पूजा से मिलूंगा? घबरा जी, समय आ गया है, समय आ गया है। देखो यही पुण्यवासी के तहत मुलाकात कराए। बोल नहीं खोलना चाहिए जमींदार के सामने। बोलना खोल, मूड़न हो तो है। हराम चाहे मूड़न होएगा है बे। अच्छा, छेदन करे तो है, छेदन करे। सुनो, आओ चलते हैं मेन गेट पर बैठकर बैंड बाजा बजाएंगे। चलिए। मास्टर संतलाल पहाड़पुर वाले गुरुजी, अरे नाकी आप नथुन सोहाय कामर कार थानिया, नाकी आप नथुन सोहाय कामर कार थानिया, तू घुटाते है पे भौजी लागै भैया। माँ, कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। भैया तुम कब आओगे? भैया मुझे यहाँ से ले चलो। भैया तुम कहाँ हो? भैया हाय चंदारे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना।
बहना बहना याद करे हो। मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो। रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है? खाना वाना खा लिया? नहीं खाया? फिर क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो बोलो? कुछ नहीं बाबू साहब। बाबू साहब मुझे मुझे मेरे घर पहुंचा दो ना। तो बताओ अरे किस लिए सरला यहाँ आंसू बहाती हो? तो बताओ कितने चला यहाँ आंसू बहाती हो? और नसीहत किस किसी की है मुझे क्यों ना बताती? सला जी बाबू साहब बोल बोल क्या कहना चाहती है? बाबू साहब मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्या कहना चाहती कहो। बोल। कैसे आए चले बाबू साहब यहाँ, रात का वक्त है देर काफी हुई, बात क्या है मुझे जल्द बतलाइए। बात क्या बतलाइए, आपको देख कर हैरत होती बड़ी। बात क्या है सरला? जी बाबू। ता जब से देखा हूँ सरला तुम्हारी कसम, मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। मुस्कुरा कर गले से लगा लो मुझे, मुस्कुरा कर गले से लगा लो मुझे, इस तरह रुक जाना। भैया भैया पूजा, ये हवेली आपकी है? हाँ। तो ये बताइए, मेरी है जो मेरी वो तेरी है? तो ये बताइए कि इस हरामजादे धर्मों क्या मजाल है मुझे हवेली में आने से रोकी? तुम्हें आने से? हाँ भैया हाँ, मैं हवेली में आ रही थी कि हरामजादा मेरा हाथ पकड़ करके
खींच रहा था और मुझे हवेली में नहीं आने दे रहा। हाँ बाबू, हाँ बाबू। ठीक है पीछे चलो। धर्मुआ कहा है कि चला पूजा बेटी साथ गाड़ी बात चले। कब है? जमींदार साहब। तेरी इतनी बड़ी औकात। अरे आप ही ने तो कहा था। अबे साले जो कहूँ सुनता था चुपचाप। ठीक है भाई ठीक है। जी मान। अबे साले तेरी क्या मजाल? तू मेरी बहन के दामन पे हाथ डाला। निकल जा यहाँ से। निकल जा। वो जा भैया। बोलो। बात यह है कि आपको हवेली के बाहर दरवाजे पर आपका कोई दोस्त आया है जो आपको बुला रहा है। मुझे? हाँ भैया, तो मैं सोची कि जाकर के ये खबर मैं अपने भैया को बता दूं। अच्छा ठीक है, तो अगर ये बात है। इतने में ये हैरान था, मुझे आने नहीं दे रहा था। बोलो। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं होगी मरे। इनका मना ठीक है? इनका मना करते हैं। मिट्टी के जाए दिया। जाए ये मिट्टी के करिया पकड़ ले। गुस्ताखी माफ अब की बार। आइंदा से काट डालूंगा सालों। ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक है जाओ। लेकिन भैया, भैया। लेकिन ये लड़की कौन है? ये तो बताना भूली गए। लड़की, ये लड़की हाँ अपने गांव की रहने वाली। तो यहाँ क्या कर रही है? गरीब है बेचारी, कुछ सुबह आ गई। हाँ जैसे तुम यहाँ देख निकली। हाँ वैसे यहाँ गई और मुझसे कहने लगी जमींदार साहब मैं खाना खाऊंगी। हाँ हाँ अच्छा भूखी है। भूखी है बेचारी। मैंने कहा खाना तो है नहीं आज। मैं खाना बनाए ही नहीं तो खाना घर में कहाँ से रहेगा। यही तो सोच। उसके बाद मैंने कहा जब मेरी बहन आएगी खाना बनाएगी तब खाना, तब तो यही बैठी है। लेकिन, लेकिन मुझे लगता है कुछ हाफ माइंड है। हाँ हाँ क्रेक है, क्रेक, क्रेक। अच्छा यानी आधी पागल। मैं समझ गई भैया। ये पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही है। अगर मेरे बारे में, अच्छा मेरे बारे में अगर कोई उल्टी पुल्टी बात करे हाँ तो इसकी बात पे विश्वास नहीं करना। अरे भैया तुम ठीक कहते हो। ठीक है आप जाइए नहीं तो आपका दोस्त चला जाएगा। ठीक जाइए। पूजा जी अगर इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ए बाबू, ये तुम्हारी बहनी का। ए बाबू, ये तुम्हारी बहनी का। बाबा, बाबा तेरी माँ का ढोंढा कहाँ है?